हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर टॉपिक का है और कहता है कि जब कोई करंट पास नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर से, है ना, सिंपल सी कहानी है यहाँ पे, तो टर्मिनल्स सेल के 52 पे आके नल पॉइंट बता रहे हैं और जब हमने सेल को शंट कर दिया किसी 5 ओम के रेजिस्टेंस से तो नल पॉइंट जो है वो कहाँ मिल रहा है बच्चों, बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, छोटा वाला आर होता है कैपिटल आर L1 डिवाइड बाय L2 माइनस 1, और यहां पर L1 और L2 के टर्म आपको दे दिए हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन प्रॉब्लम हो गया ये, 52 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ये तीनों बातें बच्चों गिवन है क्वेश्चन में ही, आप लोग एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसको समझा जाए तो क्या हो जाएगा कि एक ड्राइवर बैटरी आप लोग पहले लेकर आते हो, एक की हेल्प से एक रियोस्टेट अपन लोग यूज करते हैं, एक थिक सा वायर हम लोग ने यहां से लिया इस तरह का, ठीक है, और जनरली इसके पास एक आर बाय एल का टर्म देता है। इसकी खुद की लेंथ जो होती है वो 400 करीब दी जाती है बच्चों। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, बैटरी एलिमिनेटर कहते हैं इसको, की बना दिया और रियोस्टेट बना दिया। ये मान के चलो कि यहां पर एक ड्राइवर करंट रहता है, है ना, इस एंड को ए बुलाया, इस एंड को बी बुलाया, इस एंड पे क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक रेजिस्टेंस उसका इंटरनल हो जाएगा और इसको ई बुला देना। इन दोनों एंड्स के बाद गैल्वेनोमीटर लेकर आए और जहां पर ये नल पॉइंट दे रहा है उस वैल्यू को L1 बोलेंगे जिसकी वैल्यू 52 दी हुई है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस एंड पे है और ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस EMF कहलाता है, E प्रोपोर्शनल टू L, यही तो प्रिंसिपल होता है अपना। तो यहां पर IG का टर्म जीरो, क्वेश्चन पढ़ो आप, नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। फिर कह रहा है इस बैटरी को आप लोगों ने शंट कर दिया, शंटिंग का मतलब इस तरह सा एक एक्सपेरिमेंट होता है हमारे पास लैब में। ये एक R का टर्म है वो भी आप लोगों को गिवन है, ये की लगाओगे तो इस एंड पे बच्चों आप पोटेंशियल डिफरेंस देखने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हो कि ई बाय वी बराबर हो जाएगा आपका L1 बाय L2 के। पहले ये L1 पे कर रहा था जस्टिफाई और बाद में थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी और ये अब पॉइंट आ जाएगा, उसको आप लोग कहोगे L2 का टर्म है, जो दोनों ही यहाँ गिवन है। ये बनाना नहीं है बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायग्राम यहाँ प्लॉट कर दिया है। तीन लाइन का आपका काम हो गया, स्मॉल आर लिखा, कैपिटल आर L1 बाय L2 माइनस 1, ये टर्म हो रही है 5, इसको लिख सकते हो 52 सेंटीमीटर में रहने दो क्योंकि यहाँ पर भी मेरे को 40 लिखना है, माइनस ऑफ 1 आपका आंसर हो रहा है यहाँ से 5, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 40, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लो तो आंसर आ रहा है अपना 1.5 ओम, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों ये आपके सॉल्यूशंस के लाइन है और इससे समझोगे तो क्या कह रहा है, पहले अपन ने L1 देखा है तो IG का टर्म जीरो मान के L1 मिल रहा है और बाद में इस सर्किट में तो करंट होगा तो अब इन दोनों पॉइंट्स पे E की जगह पर V मिलने लगेगा, ठीक है, और थोड़ा कम होता है उसका लेंथ जो नल पॉइंट देता है, तो L1 बाय L2 आपका स्मॉल r के लिए ही निकाला जाता है। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।